हमारे साथ फोन लाइन पर अब मौजूद हैं मानव गुप्ता जम्मू एंड कश्मीर से। मानव, गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा मर्करी रिटर पे है, मैंने 2000 शेयर लिए हैं मार्केटर के 50 रुपए पे। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, मार्केटर 32 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 28 रुपए की इनकी खरीद है, मुनाफे में है, क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा रिस्की कॉल है, हालांकि इस वक्त तक नंबर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बट कंपनी अपने पूरे कारोबार को रीऑर्गेनाइज कर रही है, जो इंटरनेशनल कारोबार है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, और अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सही साबित होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव अपमूव हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं ये कहूँगा इसे टेक्निकली लें, 27 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और कैरी करें अपनी पोजिशन को। जी चलिए, इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें SMS के जरिए मिला है, और सवाल है अनुज का दिल्ली से उजीवन फाइनेंशियल पर। इनके पास 500 शेयर्स हैं और परचेजिंग प्राइस है 342 का। लिस्टिंग से अब तक एक स्ट्रांग गेन्स इसने डिलीवर किए हैं राजेश, 70% ज्यादा चल चुका है, ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदा है 342 के भाव पर। अभी क्या करना चाहिए, छोटा सा मुनाफा लेकर निकल आना चाहिए या फिर 6 महीने साल भर का पर्सपेक्टिव हो तो होल्ड करना चाहिए, क्या करें अभी? देखिए, साल भर का प्रस्पेक्टिव हो, मैं समझता हूँ कि अच्छी उम्दा कंपनी है जहाँ पर नहीं रहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो भाव है वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक बार आप मुनाफा वसूल लें, वापस से गिरावट आए, 330-325 के रेंज में ये स्टॉक दोबारा आता है तो री एंटर कर लें, बट इस वक्त मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। जी, तो राय आपको यही दी गई है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इन स्तरों पर आकर मुनाफा समेट ले, ऑन डिप्स स्टॉक को फिर से एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगले कॉलर हमारे साथ हैं मनीष त्रिपाठी पश्चिम बंगाल से। मनीष नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैंने दो कॉल ऑप्शन लिए हैं, एक है मेरा वो बजाज ऑटो का, मैंने 2650 का कॉल लिया है 62 रुपए में। ठीक है, और इंडसइंड बैंक का भी आपने 1140 का कॉल लिया हुआ है। 1140 का कॉल लिया मैंने 18 रुपए में। 18 रुपए पर, ठीक है, मैं दोनों, ठीक है आशीष, बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक दोनों ही शेयरों के कॉल ऑप्शन इन्होंने लिए हुए हैं। बजाज ऑटो का इन्होंने 2650 का कॉल लिया हुआ है 62 रुपए में, और इंडसइंड बैंक का 1140 का कॉल लिया हुआ है 18 रुपए में, क्या करना चाहिए दोनों शेयर में? सबसे पहले बजाज ऑटो के बारे में बात करते हैं, 2650 का जो कॉल लिया है 62 रुपीज में, वो यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम भी आ रहा है इक्विटी में, कैश मार्केट में, और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है ओवरऑल पिछले कुछ दिनों का ट्रेडिंग सेशन का, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। इसके लिए लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 2720 रुपए का ऑन कैश मार्केट, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करके रखना चाहिए, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होने की संभावना है। इंडसइंड बैंक डेफिनेटली होल्ड, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डिलीवरी मोमेंटम भी आया है, वॉल्यूम भी अच्छा है, शैडो इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं, तो मैं मानता हूँ ये जो स्टॉक है 1170-1175 के लेवल को छू सकता है इक्विटी में, कैश मार्केट में, तो ये भी होल्ड करने, दोनों होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। दोनों होल्ड करने की सलाह है, बजाज ऑटो इंडस्ट्रियल बैंक दोनों ही। अगले कॉलर हमारे साथ BS चड्डा है दिल्ली से। चड्डा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास 50 शेयर है L&T के 1300 रुपए पे, और 50 शेयर है एशियन पेंट्स के 545 रुपए पे। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे अभी इस मार्केट में क्या करना चाहिए? ठीक है, एशियन पेंट्स में तो काफी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है और अच्छे प्रॉफिट्स पर भी आप बैठे हैं, क्या करना चाहिए राजेश? इनको L&T दोनों स्टॉक्स में मुनाफे में है, L&T 1300 रुपए की खरीद है, 1450 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छे अर्निंग्स भी आए हाल ही में, और एशियन पेंट्स 550 की खरीद, 1000 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन एशियन पेंट्स प्रिसाइसली बहुत सारे से इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि आप देखिए आज CLSA की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने एक्सपेंसिव डायमंड का नाम दिया है एशियन पेंट्स को, क्या इन स्तरों पर आकर सारे पॉजिटिव्स आपको फैक्टर्ड इन लग रहे हैं या फिर तेजी ये बनी रहेगी एशियन पेंट्स में भी? देखिए, एक एक करके लें दीपाली, तो लार्सन की अगर जहाँ तक बात करूँ, जैसा आपने कहा नतीजे अच्छे आए, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर हम ये विश्वास करते हैं कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, GDP की ग्रोथ होगी, तो उसमें लार्सन का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अगर आप देखें तो लार्सन सबसे टॉप प्लेयर है, तो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल बने रहने चाहिए। दूसरे L&T इन्फोटेक का जो इशू आने वाला है उससे भी इनके वैल्यूएशन पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव होता है।
बिल्कुल लंबी अवधि के लिए न केवल बने रहना चाहिए बल्कि नई खरीदारी भी की जा सकती है। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है, मुझे लगता है इस वक्त एटलीस्ट जो वैल्यूएशन है पूरे ऑप्टिमम लेवल पे है, और यहां से बहुत ज़्यादा उछाल के लिए या बहुत ज़्यादा बढ़त के लिए एक लंबी अवधि का इंतज़ार और एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जानी पड़ेगी। तो उससे बेहतर ये होगा कि यहां पर एक बार आप मुनाफा वसूली कर लें और किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लें। तो होल्ड करने की सलाह है एलएनटी एशियन पेंट्स, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर बैठे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। और सीएलएसए के हाल की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो चुकी हैं, अच्छे अर्निंग्स और अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस प्राइस पर फैक्टर्ड इन है 1018 पर अभी ये शेयर ट्रेड करते हुए। अगले कॉलर हमारे साथ कामेश्वर है झारखंड से। कामेश्वर गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, पीएफसी है हमारा 2-15 पर, वो भी 50 शेयर है, क्या करें, दोनों में नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्या करना चाहिए आशीष? परेशान है थोड़े से क्योंकि दोनों ही निवेश में इनको नुकसान हो रहा है। हेक्सावर इनका 250 रुपए की खरीद है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी 215 इनका परचेसिंग प्राइस है, स्टॉक 164 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए अभी इनको? सबसे पहले हेक्सावर के बारे में बात करते हैं। हेक्सावर ये जो स्टॉक है ये एक अभी फिलहाल एक ऐसे लेवल पर है जहां पे थोड़ा सा होप हम रख सकते हैं। ये जो लेवल है 204 का एक ऐसा लेवल है जहां पे बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है। वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये स्टॉक 204 के नीचे क्लोज होता है तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इन द मंथ ऑफ अगस्त 2015, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2016 और रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च 2016 तीन बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है। तो अगर नीचे बंद होता है ये तो ये स्टॉक सीधा नीचे आएगा 140 तक। तो 204 के लेवल पे वॉच करें और हेक्सावेयर को और उसके ऊपर होल्ड करके चले रहे। दूसरा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो स्टॉक है इसको मैं मानता हूं कि जिस तरह से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और यहां से मैं नहीं मानता हूं क्योंकि जो वॉल्यूम से वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं मानता हूं कि पीएफसी से वो निकल जाए, एग्जिट करने की सलाह होगी मेरी। हेक्सावेयर होल्ड करें, पीएफसी से लॉस बुक करें और किसी और शेयर में निवेश करें तो ज्यादा फायदा आपको पहुंचेगा, क्योंकि स्टॉक अभी 164 पर ट्रेड कर रहा है और आपकी खरीद प्राइस से थोड़ा सा नीचे भी है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं रोहित महाराष्ट्र से। रोहित गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास इंफोसिस है 1184 और 300 स्टॉक्स है मेरे पास। 300 स्टॉक्स हैं और आपका परचेजिंग प्राइस क्या बताया आपने इंफोसिस में? 1184। ठीक है, और 6 महीने का टाइम फ्रेम है मैडम, 6 मंथ्स का आपका व्यू है। क्या करना है, स्टॉप लॉस हो जाएंगे कुछ? ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। क्या करना चाहिए राजेश? इनको इंफोसिस में 1184 रुपए की खरीद है, 1245 पर ट्रेड करा है, इनके परचेजिंग प्राइस से तो ऊपर है और ये प्रॉफिट्स में भी है, लेकिन प्रिसाइसली 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव से क्या सलाह आप देंगे इनको? देखिए नतीजे बहुत अच्छे आए थे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी, बट चूंकि इनका नज़रिया 6 महीने का ही है मैं ये कहूँगा कि ये 1200 का स्टॉप लॉस रखें, राइड करें इस स्टॉक को, नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आएंगे वहाँ पर मुझे लगता है एक अच्छी स्पाइक मिलेगी और वहाँ पर निकल जाएँ।